हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हम पढ़े ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा था। बी लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडी का, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में थोड़ा हेल्प जरूर कर देते हैं। तो एंटीबॉडी देखते हैं कि एंटीबॉडी कैसा होता है। आपको कौन सा शेप नजर आ रहा है एंटीबॉडी का? ऑब्वियसली वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहां पे आपको देखिए, ये लाइट चेन दिखाई दे रही है, ये है लाइट चेन और ये हैवी चेन। ठीक, अब लाइट चेन में भी दो रीजन होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन, ठीक है, और एक होता है कॉन्स्टेंट रीजन। समझ गए, एक होगा वेरिएबल रीजन एंड एक कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट रीजन होगा। तो जो एंटीजन के साथ बाइंड करती है जो साइट, उसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। कॉन्स्टेंट रीजन नहीं, क्या रीजन कहते हैं हम, वेरिएबल रीजन कहते हैं। ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हिंज पॉइंट कहा जाता है। और ये जो आप यहाँ पे इस तरह से देख पा रहे हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आप देख सकते हैं कि दो लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में भी, ये लाइट चेन है ना और ये हैवी चेन है, ये वाला क्या है, ये दोनों क्या हैवी चेन्स हैं, ये क्या है लाइट चेन्स है, ये क्या है लाइट चेन है ना। तो एक बार फिर से चलो मैं लाइट चेन हैवी चेन आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए सही से, ये लाइट चेन है, ये भी लाइट चेन है, लेकिन ये दोनों ही हैवी चेन्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हमको नजर आ रहे हैं। इवन जो इनके अपने बीच में भी देखिए, वेरिएबल रीजन में अपने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, कॉन्स्टेंट रीजन में अपने हैं, और जो हमारे पास हैवी चेन है, हैवी चेन में भी अपने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें बहुत सारे रीजंस को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम उसको फर्दर करेंगे। ठीक है, तो हर एक एंटीबॉडी में, चलिए बताइए अभी आपने कितना चेन पढ़ा, चार पेप्टाइड चेन पढ़ा या नहीं पढ़ा, जिसमें से दो हैवी चेन्स हैं और दो लाइट चेन्स हैं। चलिए देखिए, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन्स, टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स एंड टू लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन्स। हर एक जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है उसमें चार पेप्टाइड चेन्स होती हैं, दो छोटी होती हैं, उन दो छोटी को हम लाइट चेन्स कहते हैं, और दो लंबी लंबी होती हैं उनको हम हैवी चेन्स कहते हैं। इसीलिए एंटीबॉडी को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, इट मीन्स हैवी टू एंड लाइट भी टू है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें IgA, IgM, IgE एंड IgG जो हैं आर सम ऑफ देम। ठीक है, IgD भी होता है, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन ए अल्फा, है ना, जी गामा, ई एप्सिलन, एम म्यू, इनका जो AMEG, इनका ये मीनिंग होता है। ये पैराग्राफ इतना सा एनसीईआरटी से है, इसके आगे बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है एंटीबॉडी के बारे में, लेकिन हमको डिटेल पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट जो बताऊंगी वो सारे एक्स्ट्रास होंगे। हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसा है। अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा, मतलब हमने जो एंटीबॉडी देखा था, जिसको देख के अच्छे से डिटेल्स बताई गई हैं, वो है IgG। IgG इम्यूनोग्लोबिन जो गामा है, उसको, गामा को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इट हैज बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली एंड सर्व एज अ मॉडल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स। तो जो बेसिक, जो हमें स्ट्रक्चर लिया, जो एज अ मॉडल हमने सब इम्यूनोग्लोबिन का लिया, वो हमने IgG से लिया, इम्यूनोग्लोबिन गामा से लिया। बाकी का हल्का फुल्का कहीं वेरी करेगा थोड़ी थोड़ी जगह पे, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब ऐसा ही होगा जैसा कि इम्यूनोग्लोबिन जी का होगा। क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक एंटीबॉडी में? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट,
हैवी एंड लाइट चेन्स. वी नो अबाउट हैवी एंड लाइट चेन्स नाउ. एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ फोर पेप्टाइड, टू स्मॉल लाइट चेन, टू लॉन्गर लाइट चेन. तो दो स्मॉल लाइट होगी, दो टू स्मॉल वो लाइट होगी, टू लॉन्गर जो है वो हैवी चेन्स होगी, है ना. मैंने पहले लाइट लाइट बोल दिया था. इसीलिए एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए द हैवी, इतना तो एनसीईआरटी ने भी दिया था, है ना. द हैवी चेन हैज लार्जर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हाइल लाइट चेन हैज स्मॉलर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. हैवी एंड लाइट चेन्स मे बी आइदर लैम्डा और कैपा टाइप. ठीक है, देखिए क्या बोला है कि जो हैवी चेन है उसमें ज्यादा हमको क्या दिखाई देंगे, अमाइनो एसिड्स हमको ज्यादा दिखाई देंगे. लाइट चेन में अमाइनो एसिड्स कम रहेंगे. और हैवी और लाइट चेन्स जो हैं वो लैम्डा टाइप की हो सकती हैं या कैपा टाइप की हो सकती हैं. अब ये लैम्डा और कैपा का कॉन्सेप्ट मैं आपको लेटर ऑन समझा दूंगी कि एग्जैक्टली लैम्डा टाइप क्या हुआ और कैपा टाइप क्या हुआ. ठीक है, या आपको पता है लैम्डा टाइप या कैपा टाइप का लोकस होता है बेटा इन पे, है ना. जो लाइट चेन हम कहेंगे कैपा टाइप होगी या लैम्डा टाइप होगी. ठीक, तो एग्जैक्टली जब हम कहते हैं कैपा टाइप, ठीक, तो इम्यूनोग्लोबिन जो होगा, समझ लेना, कैपा चेन जो होगी वो दैट इज एनकोडेड बाय द इम्यूनोग्लोबिन कैपा लोकस. ठीक है, मतलब इनके पास एक कैपा लोकस हो सकता है या तो लैम्डा लोकस हो सकता है क्रोमोसोम्स पे. समझ के, क्रोमोसोम्स पे क्या क्या क्रोमोसोम पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं मैम. आप बस इतना सा समझिए कि जो एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी पे या लैम्डा लोकस पे हो सकता है ये या कैपा लोकस पे. तो या चेन्स जो है आइदर लैम्डा टाइप होंगी या तो कैपा टाइप होगी. फर्दर मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगी, अभी के लिए तैयार रखिए. ये बताइए कि ज्यादा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस पे होते हैं, ज्यादा अमाइनो एसिड हैवी चेन में होते हैं. उसके बाद और भी रीजन आते हैं. देखिए ये जो एंटीबॉडी का यहाँ डायग्राम दिया है, यहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन किया है, देख सकते हैं आप. देर आर टू डिफरेंट रीजंस, द कॉन्स्टेंट रीजन एंड वेरिएबल रीजन इन ईच चेन ऑफ एंटीबॉडी. जो एंटीबॉडी का हर एक चेन है ना, देखिए ये लाइट चेन है और ये चाहे हैवी चेन है, ठीक है, लेकिन आपको V स्टैंड फॉर वेरिएबल, H फॉर हैवी, V स्टैंड फॉर वेरिएबल, L फॉर लाइट. सिमिलरली जो C है, C का मतलब है कॉन्स्टेंट, मतलब हैवी चेन है ना ये, तो H, C, L मतलब C लाइट चेन है. ठीक, तो देखिए कॉन्स्टेंट लाइट है ना, तो आप बता देंगे कि आपको समझ आया ना कि हमने क्या पढ़ा था कि हर एक जो चेन होगी उसमें एक वेरिएबल रीजन रहेगा और एक हैवी रीजन रहेगा. तो याद रखिएगा एंटीबॉडी का जो हिस्सा किसके साथ जुड़ता है, एंटीजन के साथ जुड़ता है, वो मेनली वेरिएबल रीजन होता है. लिखे लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी अपने वेरिएबल रीजन के थ्रू अटैच होती है, उसके साथ जो बाइंड करेगी तो वो वेरिएबल रीजन से बाइंड करेगी. समझ गए ना आप. देखिए यहाँ पे बनता है ये हिंज, और ये फैब रीजन क्या है, ये एफ सी रीजन क्या है, ये भी हम जानेंगे. चलिए पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड और हिंज रीजन के बारे में भी समझ लेते हैं. अ डाइसल्फाइड बॉन्ड जॉइंस अ लाइट चेन विद अ हैवी चेन. देखिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो किसके किसको किसको जोड़ रहा है, ये देख रहे हैं आप. एक लाइट चेन को हैवी चेन के साथ जोड़ रहा है. टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑल्सो लिंक द टू हैवी चेन्स. और दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे जो किसको जोड़ेंगे, दो हैवी चेन्स को जोड़ेंगे. ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेगा. एक डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको चाहिए होता है हैवी और लाइट चेन को जोड़ने में, उनको लिंक करने में, और दो हैवी चेन्स को लिंक करने के लिए हमें दो डाइसल्फाइड बॉन्ड चाहिए होते हैं. अगर हम देखना चाहें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये भी हम देख सकते हैं. यहाँ पे भी हमें क्लियर है,
ये देखिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की जरूरत पड़ रही है लाइट और हैवी चेन को अटैच करने के लिए, जबकि बताइए दो हैवी चेन्स को अटैच करने के लिए कितना जो है कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड लग रहे हैं, एक एंड दो। क्या आपको अब समझ आ गया? ठीक है, कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड चाहिए हमें दो हैवी चेन को अटैच करने के लिए? दो डाइसल्फाइड बॉन्ड हमको चाहिए रहते हैं दो हैवी चेन को लिंक करने के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए। वहीं एक लाइट और हैवी चेन को अटैच करने के लिए, उनको लिंक रखने के लिए हमको एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड का जरूरत होता है। दिस पार्ट ऑफ एंटीबॉडी डिस्प्ले कंसीडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो जहां पे जिस पॉइंट पे डाइसल्फाइड बॉन्ड एंटीबॉडीज को लिंक कर रहे होते हैं, उसी पॉइंट पे जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसको हिंज रीजन या हिंज पॉइंट बोल दिया जाता है। देखिए समझ के ना, जहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो हैवी चेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमें एंटीबॉडी बहुत फ्लेक्सिबल नजर आती है इस तरह से। तो जो पॉइंट आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला, उसको एग्जैक्टली हिंज रीजन कहते हैं। बिकॉज द एंटीबॉडी आर्म्स कैन मूव समवट एज द हिंज रीजन बैंड्स, एन एंटीबॉडी कैन अज्यूम अ वाई शेप। तो यहां पे हिंज रीजन पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो जो एंटीबॉडी की आर्म्स हैं वो थोड़ा मूव कर सकती हैं, है ना? तो जब मूव कर सकती हैं तो कैसा हो जाएगा? वाई शेप हो जाएगा। तो एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? वाई शेप होता है। आप समझ गए क्यों होता है? क्योंकि एक पॉइंट आता है जहां दो हैवी चेन को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, उस पॉइंट पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको हिंज रीजन कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है तो एंटीबॉडी की आर्म मूव कर सकती हैं और वाई शेप अटेन कर सकती हैं। ठीक है, अब ये एफ ए बी ध्यान से देख लीजिए, कौन है एफ ए बी रीजन और कौन है एफ सी रीजन, है ना? अब ये एफ ए बी रीजन के बारे में पहले हम जानते हैं और एफ सी रीजन के बारे में। एफ ए बी स्टैंड फॉर द फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, है ना? द फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, एफ फ्रेगमेंट, ए एंटीजन, बी बाइंडिंग। वहीं पे एफ सी का मतलब है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल या क्रिस्टलाइज्ड रीजन। ठीक है, टू आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स ऑफ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल पोजेस द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एंड आर दस नेम्ड फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। समझ गए आप? जो हमने वाई शेप आर्म्स पढ़ी थी, वाई शेप आर्म्स पे ही तो एंटीजन आके जुड़ता है और मेनली वो सबसे पहले वेरिएबल रीजन पे आके जुड़ता है। तो दो आइडेंटिकल फ्रेगमेंट जो है वाई शेप मॉलिक्यूल जो है ना, वहां पे एंटीजन जुड़ेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट वही होगी, इसीलिए उनको नाम दे दिया गया फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, द एंटीजन बाइंडिंग साइट बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन इन अ लॉक एंड की पैटर्न परफॉर्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो है, एंटीबॉडी पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, मतलब वो साइट जिस पे एंटीजन आके जुड़ेगा। ठीक है, तो एक कोई स्पेसिफिक एंटीजन ही वहां आके जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि एक ताले में कोई पर्टिकुलर चाबी ही जा सकती है और ताला खोल सकती है, उसी तरह से एंटीबॉडी पे जो बाइंडिंग साइट रहेगी एंटीजन के लिए, उस पे कोई स्पेसिफिक एंटीजन ही आकर जुड़ेगा, जैसे कि लॉक और की पैटर्न में, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो जहां पे एंटीजन जुड़ता है वो वाला रीजन हो गया फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ओके, द थर्ड फ्रेगमेंट विच लैक द एबिलिटी टू बाइंड टू द एंटीजन एंड कैन बी क्रिस्टलाइज इज देयरफॉर नोन एज फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, जो फ्रेगमेंट जो आप नीचे की तरफ को पढ़ते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। द स्टैम ऑफ द वाई शेप एंटीबॉडी मोनोमर इज कॉल्ड एफ सी रीजन। जो इस तरह से ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये दो क्या हो गई, हैवी चेन्स हो गई, और यहाँ पे ये क्या आ गया,
लाइफ चेंज आ गई, ठीक। तो इतना वाला रीजन तो ये फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग दे दिया, एंटीजन के साथ ये वाला रीजन बाइंड करते हैं, और ये रीजन जो है ये क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो स्टेम जो है एंटीबॉडी का, वाई शेप एंटीबॉडी का जो स्टेम है वो एफसी रीजन कहलाता है। क्यों नाम दिया गया, सो नेम बिकॉज एंटीबॉडी स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट बींग आइडेंटिफाइड, इट वॉज अ फ्रेगमेंट दैट क्रिस्टलाइज इन कोल्ड स्टोरेज। जब सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी ना एंटीबॉडी को, तो हमें एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ही मिला था, हमें वाई शेप्ड आर्म्स नहीं मिली थी, हमें एफसी वाला ही रीजन मिला था, कोल्ड में रख के ये क्रिस्टलाइज हो गया था। इसका मतलब एंटीबॉडी में जो दो रीजन है, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग एंड फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल के साथ एंटीजन बाइंड नहीं होता है और वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो ये पूरा हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिया है। अब कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को या पैथोजन को इनएक्टिवेट कर सकती है, द इनएक्टिवेट द पैथोजन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, कोई भी वे चूज कर सकती है एंटीबॉडी। तो अब हम वेज पढ़ेंगे। ए ग्लूटिनेशन, सबसे पहला वे कौन सा आया, ए ग्लूटिनेशन। तो ए ग्लूटिनेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स विद एंटीजन ऑन दियर सरफेस सच एज बैक्टीरिया आर बाउंड इन टू क्लम्स। क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल, देखिए ये जैसे कि रेड ब्लड सेल ले लीजिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रही हैं, इनके सरफेस पे क्या है, एंटीजन है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना। तो कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स या सेल्स जिनके सरफेस पे क्या है, बैक्टीरिया है, उनके साथ एंटीबॉडी जुड़ेगा और उनका ऐसे जत्था सा बना देगा, क्लंप बना देगा, और अब ये किसी और को जाके ये एंटीजन अफेक्ट नहीं करेंगे, समझ के। तो कोई भी पार्टिकल्स और सेल्स जिनके ऊपर की एंटीजन है, एंटीबॉडी उनको क्लंप कर देगा, ऐसे जत्था बना देगा, ठीक है, इकट्ठा करके, और इन एंटीजन को दूसरी सेल्स को अफेक्ट नहीं करने देगा, समझ के। सो लार्ज पार्टिकल्स विद एंटीजन ऑन दियर सरफेस सच एज बैक्टीरिया आर बाउंड इनटू क्लंप। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, दूसरा मेथड जो एंटीबॉडी अपना सकती है वो है प्रेसिपिटेशन। मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉल्युबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी बिकम सो लार्ज दैट इट इज रेंडर्ड इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट्स। एग्जैक्टली मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीजन कम है, एंटीबॉडी ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया मतलब जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस, है ना। दूसरे यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन है, यहाँ पे एंटीजन ज्यादा है, एंटीबॉडी कम है, तो ये जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस है। लेकिन प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग जब एंटीजन एंटीबॉडी का जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना ये, ठीक है, तो बराबर है जोन ऑफ इक्विवेलेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, और जो सॉल्युबल एंटीजन होगा, जो हमारी बॉडी में सॉल्युबलाइज होके हमें इन्फेक्शन करने वाला था, वो सॉल्युबल एंटीजन अब सॉल्युबल नहीं रहता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, तो देखो ये बड़ा हो गया, यहाँ पे है कोई बड़ा नहीं है ना, इस तरह से कुछ भी नहीं है बड़ा, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है इतना बड़ा हो जाता है कि ये इनसॉल्युबल हो जाता है और इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, समझ के, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ऑप्टिमल एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन जब होगी, बराबर बराबर जब एंटीजन एंटीबॉडी ऑलमोस्ट होंगे, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जो कि बड़े हो जाते हैं, तो सॉल्युबल भी इनसॉल्युबल बन जाता है और प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो अब एंटीजन जो है वो बीमारी काउज नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेसिपिटेट्स हो गए हैं। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन में जो बैक्टीरिया है एंटीबॉडी उसको कोट कर देती है। देखिए ये बैक्टीरियम है, ठीक है, मतलब एंटीजन या कोई ये बैक्टीरिया है, ये ले लीजिए, ये एंटीबॉडी ने इसको कोट कर दिया, ठीक है, जब एंटीबॉडी ने इसको कोट कर दिया तो फिर इसकी फैगोसाइटोसिस होगी, मैक्रोफेज ने इसको खा लिया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि
बैक्टीरियम को, बैक्टीरियम पे बैक्टीरियम को जो है, या बैक्टीरिया जो भी कोई एंटीजन होगा उसको एंटीबॉडी जो है वो ऐसे सराउंड कर लेगी, ठीक है, और उसको फिर मैक्रोफेजिस के पास ले जाएगी। मैक्रोफेजिस में उसकी क्या हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस, ठीक। तो एंटीजन ऑप्सोनाइजेशन में एंटीजन का कोटिंग होता है और उसके बाद उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन में एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन की टॉक्सिक साइट को कवर कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो टॉक्सिक साइट काम ही नहीं कर पाएगी तो न्यूट्रल हो जाएगी। एंटीबॉडीज कवर द टॉक्सिक साइट्स ऑफ एंटीजन। देखिए कैसे होगा, ये आपको एचआईवी दिखाई दे रहा है, एचआईवी वायरस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, एंटीबॉडीज जो हैं वो इनकी टॉक्सिक साइट्स को कवर कर रही हैं, और फिर ये CD4 जो है इसका रिसेप्टर होता है, सेल होती है हमारी, टी सेल क्या है, इम्यूनिटी की सेल है, उसपे CD4 करके रिसेप्टर होता है एचआईवी का। तो क्योंकि अब पूरा इसको जो है न्यूट्रलाइजेशन में टॉक्सिक साइट पे एंटीबॉडी ने कवर कर लिया है, तो ये साइट्स जो हैं वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाती हैं। ये देख के आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी एड्स पूरी तरह से जो है वो ट्रीट नहीं हम कर पाते हैं, तो इस तरह से क्या ये जो मेथड है, क्या इस तरह से हम पूरा इलाज नहीं कर सकते? देखिए आज जितना भी सर्वाइवल रेट हम इंक्रीज कर पाए हैं वो इन्हीं सब मेथड्स की वजह से कर पाए हैं। लाइसिस एक लास्ट जो आता है मेथड जिसके थ्रू एंटीबॉडी एंटीजन पे रिएक्ट कर पाती है, एंटीजन को खत्म कर सकती है, वो ऐसा होता है कि कुछ एंटीबॉडीज जो हैं, जैसे ये एक क्या है एंटीजन है, एंटीबॉडी आएगी, ठीक है, एंटीबॉडी आती है और इसकी मैम्ब्रेन पे अटैक करेगी, ठीक है, एंटीबॉडी जो है इसकी मैम्ब्रेन पे अटैक करेगी, ठीक। ये आपके पास हैवी चेन हो गई, ये लाइट चेन्स होंगी, ये इसकी मैम्ब्रेन पे अटैक करेंगी और मैम्ब्रेन के बाद इसका क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, ये पूरा टूट सकता है, ठीक। तो एंटीजन जो है वो टूट गया तो सेल रप्चर हो गई। अब इसमें जो कैपेबिलिटी थी कि हाँ ये दूसरी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में आके हमारी सेल्स को अटैक करेगा, वो उतना कैपेबिलिटी नहीं रहती है। तो सम एंटीबॉडीज अटैक मैम्ब्रेन ऑफ एंटीजन और सेलुलर एंटीजन्स, मेनली जो मैम्ब्रेन अटैक करेंगे, मैम्ब्रेन तो उसी की होगी अगर कोई सेलुलर एंटीजन होगा, और बैक्टीरिया आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में भी मैम्ब्रेन्स होती हैं, तो कुछ एंटीबॉडीज सेलुलर एंटीजन की मैम्ब्रेन पे अटैक करती हैं और सेल को रप्चर कर देती हैं। इसकी हेल्प से भी एंटीजन खत्म हो जाता है और हम इन्फेक्शन से थोड़ा बच जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। मेन जो टाइप्स हैं IgG, इम्यूनोग्लोबिन गामा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन एंड इम्यूनोग्लोबिन म्यू। IgG की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ द मेन एंटीबॉडी टाइप इन द सर्कुलेशन। ये सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी होती है हमें, इम्यूनोग्लोबिन गामा होती है। ये हमको पैसिव इम्यूनिटी देता है। कैसे बचाता है ये, इट अटैक्स द माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स, स्टिमुलेट फैगोसाइटोसिस। तो ये इम्यूनोग्लोबिन के टॉक्सिन्स को खत्म करता है, माइक्रोब्स को अटैक करता है, उनके टॉक्सिन्स को खत्म करता है और उनकी फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है। इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस एज 75% ऑफ इट पासिस वाया प्लेसेंटा। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें एंटीबॉडीज बेटा हमें मिलती हैं, बाहर से हमें जो एंटीबॉडीज मिलती हैं, हमारी बॉडी अपने आप जब एंटीबॉडी बनाती है तो हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमें पहले ही किसी के थ्रू एंटीबॉडी मिलती है तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनोग्लोबिन गामा सबसे छोटी एंटीबॉडी है, सबसे ज्यादा पाई जाती है और सर्कुलेशन में मेन एंटीबॉडी यही होती है। कौन सी इम्यूनिटी देती है बेटा, पैसिव इम्यूनिटी देता है, क्योंकि 75% जो इम्यूनोग्लोबिन गामा है वो हमको मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब मदर से आएगी, प्लेसेंटा के थ्रू हम में आएगी, ठीक है। देखिए इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है। सिक्रीशन, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनमें जो पाई जाती है मेनली एंटीबॉडी, वो इम्यूनोग्लोबिन ए है। सलाइवा एंड मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए। ये हमको किससे बचाता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन, ठीक है, जो हमने ऐसे सांस में पैथोजन हमारे सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं उनसे हमें बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए भी पैसिव इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि मदर मिल्क से जो बच्चे को मिलती है एंटीबॉडी वो इम्यूनोग्लोबिन ए ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है? आई जी ई इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। आई जी एम सबसे लार्जेस्ट जो एंटीबॉडी है वो है आई जी एम, और फीटस में जो सबसे पहले एंटीबॉडी डेवलप होती है वो भी आई जी एम ही होती है। यही एंटीबॉडी बीटा सेल्स को एक्टिवेट, बी सेल्स को, बीटा सेल नहीं कहूंगी मैं इनको, बी सेल्स को एक्टिवेट करती है और प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बताइए? इम्यूनोग्लोबिन एम। स्मॉलेस्ट कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन जी। एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन ए, और मिल्क से जो मिलती है वो है इम्यूनोग्लोबिन ई, सॉरी एलर्जिक के लिए इम्यूनोग्लोबिन ई, और जो मिल्क से मिलती है वो है इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। सबसे बड़ी और जो सबसे पहले बनती है वो है इम्यूनोग्लोबिन एम। इट इज द लार्जेस्ट एंड अर्लीस्ट एंटीबॉडी डेवलप इन फीटस, कॉज एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स एंड शोज प्राइमरी रिस्पॉन्स। और इम्यूनोग्लोबिन एम ही है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स भी शो कर रहा होता है। तो ये एंटीबॉडीज के बारे में इतना काफी है, थोड़ी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर्स भी लेंगे और कुछ ज्यादा हम पढ़ेंगे। ये पूरा एंटीबॉडी का लेक्चर है जो जिसको आपको अच्छे से समझना है कि एग्जैक्टली एंटीबॉडी है क्या, किस तरह से काम करती है। चलिए, थैंक यू।